जिले में लॉकडाउन का असर तो है, लेकिन आवाजाही भी चालू है। सड़क पर आवाजाही पहले से अब कम हो गई। दिन में वीरानगी छाई रहती है और सुबह शाम भीड़ सड़क पर कदम ताल करती दिख रही है। हालांकि शाम होते ही कुछ लोग आवश्यक सामग्री की खरीदारी को लेकर घरों से बाहर आते हैं। इस दौरान पुलिस लगातार सक्रिय रह रही है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा खुद जायजा लेने के लिए लगातार भ्रमणशील हैं। जनपद में बनाए गए चेक प्वाइंट पर सुबह से ही वाहनों की जांच की जा रही है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लाठी भी चटका रही है, उठक बैठक भी कराया जा रहा है। एसपी बाजार में जाकर खरीदारी करने वाले लोगों को दूरी बनाकर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। वहीं कर्नल गंज चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने सख्ती दिखाई। शहर में आवास विकास लाल गेट पर दो जगह घूमना कोतवाली के सामने चौक पक्का पुल तिकोना चौकी टाउन हॉल तिराहा रेलवे रोड आईटीआई चौराहा देवरामपुर कादरी गेट सहित आदि जगहों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। इन जगहों पर पुलिस पूरी तरह से मुतैद है। बार बार पुलिस की शक्ति के बाद भी जब लोगों ने आना जाना बंद नहीं किया तो पुलिस ने सख्ती और सख्त कर दी। लॉकडाउन के दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों में वाहनों को जब्त कर जुर्माना वसूलने की गति तेज हो गई है। पुलिस लाठी के साथ ही जुर्माना भी वसूल कर वाहनों का चालान भी कर रही है। लिहाजा आप निकलने से पहले सोच लें कि कहीं आपके साथ ही पुलिस कार्यवाही ना हो जाए।